वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले मोटोरोला की तरफ से एक और स्मार्टफोन लॉन्च हो चुकी है जो कि मोटोरोला की जी सीरीज का जो स्मार्टफोन से। तो बात कर लेते हैं उससे फीचर्स में आपको क्या फीचर्स है, प्राइस सेटअप क्या बात कर रहे हैं। तो प्राइस सेटअप की हम पहले बात कर लेते हैं, क्या है ना कि उस मोटोरोला की तरफ से जो भी स्मार्टफोन्स वगैरह आते रहते हैं उनका प्राइस सेटअप जबरदस्त के साथ देखने को मिल जाते हैं। मतलब 100% उनका सही रहता है। प्राइस सेटअप के मामले में मोटोरोला काफ़ी अच्छा काम करते हैं, प्राइस सेटअप उनका 100% सही रहता है। मोटो G22 जो स्मार्टफोन से इंडिया में आज ही लॉन्च हो चुकी हैं, फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं फीचर्स में क्या है ना कि आपको स्क्रीन साइज में 6.5 इंच में आपको HD डिस्प्ले है और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं प्रोसेसर में, आपको यहाँ पे MediaTek का प्रोसेसर है। ऑब्वियसली ये क्या है ना कि आपको मिड रेंज मतलब एंट्री लेवल का स्मार्टफोन 10,000-11,000 के आसपास है। तो ऑब्वियसली MediaTek Helio G37 प्रोसेसर है। बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप में, आप एक्चुअली विश्वास नहीं करेंगे, कैमरा सेटअप जो है 50 मेगापिक्सल का आपका क्वाड कैमरा सेटअप है। प्राइमरी सेंसर मतलब 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का, 2 मेगापिक्सल मैक्रो के साथ 2 मेगापिक्सल डीप देखने को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं आपको सेल्फी के लिए, सेल्फी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब ये जो प्राइस सेटअप के साथ ये जो सेल्फी मिल रही है मतलब ये मतलब एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल में आपको सेल्फी देखने को मिल जाते हैं। कहा था ना मोटोरोला की तरफ से जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उनका फीचर्स काफ़ी कमल के रहते हैं। और बात कर लेते हैं आपको 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाते हैं। आपको एंड्रॉयड 12% में ये स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। 5000mAh बैटरी के साथ आपको 20W का चार्जर भी देखने को मिल जाते हैं। ये एक ही वेरियंट के साथ देखने को मिल जाते हैं। 4GB के साथ 64GB स्टोरेज है। और उसका प्राइस की बात कर लेते हैं 10,999 में देखने को मिल जाते हैं। हाँ जी 10,999 में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो प्राइस सेटअप है तो मोटोरोला के जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उनका प्राइस सेटअप काफ़ी अच्छा रहते हैं। तो ये 10,999 में देखने को मिल जाते हैं। और इसी तरह फीचर्स तो कमाल का है। आपको 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छा बढ़िया लगा कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा, क्वाड कैमरा सेटअप है। आपको 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी भी देखने को मिल जाते हैं। और ये क्या है ना कि 4GB के साथ 64GB वाले वेरियंट है, एक ही वेरियंट है, 10,999 में देखने को मिल जाते हैं। और ये फ्लिपकार्ट में शुरू होने को जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट में 13 और 14 तारीख से मतलब EMI के साथ भी आप जरूर देख सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट में शुरू होने को सेल शुरू होने को जा रही है। अगर आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो मैं लिंक दे दूंगी, आप जरूर जब सेल स्टार्ट हो जाएगा तो आप जरूर खरीद सकते हैं। तो मोटोरोला की तरफ से काफ़ी अच्छा कमल का स्मार्टफोन्स आज ही इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, वो भी जी सीरीज के G22 सीरीज के स्मार्टफोन से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन सी वीडियो मेरी अच्छी लगती है। और अगर चाहते हैं फ्यूचर में इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।